नो मैच विदाउट कैच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबड्डी की। और आज हमारे साथ हैं द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव की टीम के साथ हैं हरियाणा के दो स्टार स्टॉपर, स्टार कैचर दीप सिरसल और संजू जयसिंहपुरा। आप दोनों पहलवानों का हमारे चैनल द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव में, पहलवान जी दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम हमारी टीम के साथ जुड़े। धन्यवाद भाई साहब। हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, केवल चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो हमारा विषय है वो कबड्डी को लेके ही है। तो दीप भाई, हरियाणा में कबड्डी की फिलहाल की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो आजकल जो कबड्डी चल रही है उसकी स्थिति क्या है? स्थिति किस तरह से? स्थिति है कि पहले कबड्डी कैसी थी और अब कबड्डी कैसी है। जैसे आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो कपड़ों पर मैच होते थे, बाल्टी, टिफिन, इन चीज़ों पे। आज कबड्डी में पैसा आ गया। आज की कबड्डी में पैसा है बहुत ज़्यादा। आज ही कबड्डी में पैसा है। तो कबड्डी आप केवल पैसे को लिए खेलते हो कि अपने शौक के लिए खेलते हो? शौक है जी, बचपन से शौक खेलने का जी। ठीक ठीक। तो पहलवान जी कितने दिन हो गए खेलते हुए? 12 में लगे थे, 2012 में लगे थे। 2012 में सालों तो लॉकडाउन लग गया, मतलब 18 तक खेल ले, 19 में लॉकडाउन आ गया। ठीक 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 ठीक। 20 में। तो पहलवान जी, आपका जो गांव है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आज के समय में जो हरियाणा में हम देखें तो कैथल ज़िले के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, चाहे हम रेडर की बात करें, चाहे हम कैचर की बात करें। तो आपके गांव की टीम भी है, तो दीप के मन में ऐसी क्या बात रही कि कैचर ही बनना है? बढ़िया पड़ा करते शुरू था, जितना पकड़ बढ़िया थी, जो हमारे सीनियर थे वगैरह तरीके काच बढ़िया, तो काचो करा था। तो वो सीनियर आपके गांव से ही थे या? गांव से थे, हमारे गुरु हैं जी। ठीक ठीक ठीक। टीटू है जी, टीटू, टीटू हरियाणा पुलिस में मुलाजिम है। ठीक ठीक ठीक। तो वो कबड्डी खेलते थे? हाँ, वो कबड्डी खेलते थे। तो उनसे कितना सीखने को मिला दीप भाई? बहुत ज़्यादा जी। ठीक ठीक। तो वो कैचर थे या रेडर थे? रेडर थे जी। ठीक 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 ठीक। रेडर थे। तो जो कैचिंग के गुर सीखे भाई दीप, तो वो कहाँ से, अपने आप ही सीखे या किसी को देख के सीखे या कैसे? बस वो गुरु इसका आया था, टीटू था जो। ठीक ठीक ठीक। पुराना प्लेयर था जी, बहुत बढ़िया खेल लिया, 10-12 साल खेल लिया, बहुत बढ़िया जी। उसने बताया भी ऐसे करो ऐसे करो, उसने देख देख कर जी अपना मन बन गए जी। ठीक ठीक ठीक। तो 2016-17 की जब हम कबड्डी की बात करते हैं तो एक सेट तैयार हो गया कि एक कॉर्नर पे संजू खड़ा है और एक कॉर्नर पे दीप खड़ा है। और मेरे ख्याल से उस टाइम हरियाणा में कोई ऐसा रेडर बचा नहीं था जिसको आप दोनों ने पकड़ा ना हो। तो वो सेट अब कितना काम कर रहा है? सर, काम तो कर रहे हैं, अपना पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई साहब, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो टूर्नामेंट होंगे भाई साहब, तब खेल लेंगे, वो देखते हैं क्या रहता है, किस टीम में खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, अपन ही खेलते हैं, दोबारा गेम खेलते हैं, वो उसके बाद ही उस पर डिपेंड करता है। जब टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे भाई साहब तभी पता चलेगा कि क्या रहेगा। वैसे प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं अपनी जो। तो संजू भाई, एक सेट में खेलने कितने दिन हो गए? जैसे आप दोनों का सेट बड़ा जोड़ा कि आप एक कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे, आप राइट कॉर्नर पे दीप भाई, तो उस सेट में दोबारा खेलने कितने दिन हो गए? मोस्टली साथ ही खेलते थे भाई साहब। ठीक ठीक। तो इंजरी होने के बाद भी हम खेले, मोस्टली साथ ही खेले हैं, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा पीछे 2019-18 के एंड में मतलब लास्ट में, और 2019 के स्टार्टिंग में, मतलब उस टाइम थोड़ा इंजरी कारण मेरा रेस्ट था, तो दीप उसके बाद अकेला खेला। ठीक ठीक ठीक। तो दीप भाई, दीप आपका असली नाम है या कि कुलदीप नाम है, असली नाम क्या है? नहीं, सही नाम तो जो मेरा संदीप कुमार है। संदीप कुमार है। और संदीप का दिल। तो संदीप कुमार की एज कितनी होगी खेलते, मतलब एज कितनी है और खेलते हुए टाइम कितना हो गया? 28 साल की होगी जी। 28 साल की एज होगी।
खेलते हो गए 7-8 साल से। 7-8 साल खेलते हुए हो गए। तो दीप भाई आप तो पंजाब में बहुत सारे मैच खेले हो। बहुत खेले। तो मैच खेल जाना पंजाब में घना मजा है कि हरियाणा में खेल जाना घना मजा है? पंजाब में। उसका रीजन भाई? रीजन एक तो जी वहाँ छोटे मैच हुआ। अच्छा। जल्दी टूर्नामेंट खत्म कर दे जी। जिस तरह जी 4 बजे शुरू करे 10 बजे आराम तक टूर्नामेंट ने बैठ दिया। हरियाणा में 3 दिन मिला दे 4 दिन मिला दे जी। तो पंजाब में इस करके ज्यादा मजा आवे। रोज नई नई ठीक ठीक ठीक। तो अब बात पता है दीप भाई क्या है, जो मैं अपने हरियाणा में हम देखे हैं कि मैच रात ना 12 बजे 1 बजे खत्म हो है, उसमें फिर रात ने खिलाड़ी ने जाने में भी दिक्कत है, बिल्कुल भाई साहब, दर्शक ने आने में भी दिक्कत है, दिक्कत है सब ना। तो उसमें के सुधार उसका है? जैसे आप तो कह रहे हो कि भाई वहाँ पंजाब में एक दिन की टूर्नामेंट हो है, पर वहाँ तो टूर्नामेंट भाई साहब जैसे आप तो दोनों खिलाड़ी हो वहाँ 7-8 बजे तक खेल खत्म हो जाओ है, आपने रहने 12-1 बजे उसके पीछे क्या रीजन है? 12-1 तो दूसरा राउंड स्टार्ट हो दूसरा, तो उसमें क्या दिक्कत है दीप भाई? 5 बजे भाई साहब जाने की कमेटी है, वो टीम की बात देखो जाए आवेगी आवेगी टीम है कौन बढ़िया टीम तो पंजाब की कमेटी बहुत सख्त हुआ जी, अगर 2 मिनट भी लेट होगी टीम तो स्क्रैच कर देता। कितनी तगड़ी टीम हो, तो तगड़ी टीम हो तो कहीं ना कहीं फिर यूं लगता अब तो दोनों पहलवान और अच्छे खिलाड़ी भी हो कि इसमें कहीं ना कहीं फिर प्लेयरा का फॉल्ट है, प्लेयर टाइम पे नहीं आते, प्लेयर की गलती भी प्लेयर की भी है। हां इतने भाई साहब पर कमेटी की ज्यादा है, कमेटी की ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्लेयर की भी है जो लेट पहुंच रहे हैं। 19-20 है भाई साहब प्लेयर की, तो कमेटी की भाई साहब नू है। अगर टूर्नामेंट टाइम पे खत्म हो जाए मतलब रात ने 10 या 11 खत्म हो गए मान लो, तो कोई बड़ी बात नहीं 10 या 11, तो उसके बाद प्लेयर अपने 12-1 बजे घर पहुंच के रेस्ट में सो भी गा, डाइट भी लेगा अपनी, सुबह आराम से उठेगा, फ्रेश उठेगा, बॉडी फ्रेश होगी, तो उसके बाद अपना टाइम पे पहुंचेगा। गेम भाई साहब खत्म हो रहे हैं 4 बजे, प्लेयर पहुंच कोई दो मतलब 2 घंटे भी लगा किसी ने जाना भाई साहब, ढाई भी लगा डेढ़ भी लगा पहुंच रहा 5-5-6 बजे, तो सो भी का भाई साहब उन्हें डाइट भी लेनी होगा, तो मतलब वो थकावट भी भाई साहब पूरा दिन खेलना बिना कुछ खाए पिए भाई साहब, तो थकावट इतनी हो जाए, इंसान है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल इंसान है प्लेयर भी, तो उन्होंने मशीन है तो मतलब 6 बजे आई है आंधे फिर रगड़ दो मशीन कर दो बटन दाब दो स्टार्ट होगी चल पड़ी वो सिस्टम है भाई साहब। तो समझो भाई आपने कितना टाइम हुआ कबड्डी खेलते हुए? मैंने भाई सब 11-12 में स्टार्ट कर दिया मैंने भी। ठीक ठीक। हाँ जी 8-9 तो साल हो गए। जैसे आपके गांव की टीम भी ठीक ठाक है और दीप पहलवान जी के गांव की भी टीम ठीक ठाक है, तो दोनों आप प्रैक्टिस इकट्ठी करते हो या कैसे करते हो? नहीं भाई साहब ये अपने यहाँ गाँव में करता है, मैं अपने गाँव में करता हूँ भाई साहब अपने गाँव के साथ। ठीक 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 ठीक। तो दीप भाई परिवार में और कौन कौन है? परिवार में जी डैडी है, माता जी है, अच्छा छोटा भाई है। ठीक ठीक ठीक। शादी भी हो जाए जी, घरवाली भी है। अच्छा शादी, एक लड़की भी है जी। ठीक ठीक ठीक। चलो बड़ी अच्छी बात है। तो दीप भाई हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं कि जो अपने हरियाणा में जो खेल पॉलिसी है ना वह थोड़ी लाचार है, सर्कल कबड्डी ने ले गए क्योंकि नेशनल गेम में तो बाहर काट दी जी। और जैसे आपके जो बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं वह कोई पंचायत सेक्रेटरी लग गया, उससे पहले हरियाणा पुलिस में भी लग गए हैं, तो आपका क्या सुझाव है इस मामले में कि हरियाणा सरकार ने या उसमें खिलाड़ी ने क्या करना चाहिए, कमेटी ने क्या करना चाहिए और आप लोगों का क्या योगदान हो सकता है कि जैसे दोबारा सरकार सर्कल कबड्डी के प्लेयरों को भी नौकरी वाला प्रोसेस देने का शुरू कर दे? तो गवर्नमेंट ने देखना पड़ेगा जी, वैसे प्लेयर ने सब ने देखना पड़ेगा, तैयारी करो, गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जी, या दोनों सरकार है या प्लेयरों को जमीन देख के राजी नहीं है जी। दोनों पिछली सरकार थी कांग्रेस थी चौटाला थी वो जी 15-15 लोग लगा दी थी, 30 लड़के लगा दी थी, एक नहीं लगाई थी जी, ये सरकार प्लेयर के बारे में गलत है जी, सोच दी नहीं प्लेयर के बारे में। तो दीप भाई जो कोरोना काल चल रहा है मैच ही बस शुरू नहीं हो लिए, तो कितनी बार प्रैक्टिस करो हो, के प्रैक्टिस का शेड्यूल रो है? बस जी तो लॉकडाउन लग रहा है, रेस लगा लेते हैं 5-4 चक्कर वाली खेल रहे हैं, सुबह 3-4 चक्कर सुबह अपना डंडूड मार लें। ठीक। तो गांव की टीम का के रुझान है जो कबड्डी की हम सिरसल की बात कर रहे हैं, तो आपके जूनियर खिलाड़ी कितने हो रहे हैं, प्रैक्टिस कितने कर रहे हैं, या आप कितने बच्चा ने गाइड कर रहे हो? मान लो जैसे अब हम पीछे भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कबड्डी खेलने लग रहे हैं, तो उन बच्चा था चलो आप तो अभी मैं सारे सीनियर खिलाड़ी हो, तो कितनी कोचिंग दे और लग गए कुछ आपके गांव की टीम का भविष्य कबड्डी में और बढ़िया उसका है? हाँ जी 2-3 लड़के हैं बहुत बढ़िया खेलते हैं, हो जाएगा जी वैसे बढ़िया टीम बन जाएगी अगर तैयारी करते रहे तो। ठीक 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 ठीक। तो दीप भाई पता भी क्या है आपके बारे में, जो एक हरियाणा में बहुत बढ़िया चीज़ जो लोग कम है आपके बारे में कि दीप एक हल्के शरीर का खिलाड़ी है और कैच बहुत ज़बरदस्त करा है, हालांकि कबड्डी में कोई जान का खेल हर भाई फुर्तिया खेल है, तो हालांकि फुर्ती तो में बहुत ज़्यादा है, पर एक कैचर के लिए जान होना ज़रूरी है, एक ठाड़ा प्लेयर होना जरूरी है जो अपने लोकल भाषा में कहते हैं, पर दीप की एक टेक्निक है कि वो अपने कम वेट में भी कैचर ने रेडर ने बढ़िया तरीके से पकड़ लिया है, तो वेट कितना मायने रखा है कैचर होने के लिए?
बस ये जी 90 किलो जी बस। तो फिलहाल दीप का वेट कितना, राइट कितनी है? मेरी जी 5'11" हाइट है। हाँ, इसमें वेट 80 है जी। वेट 80 है तो दीप भाई के अलग है, वेट और बढ़ा लेना चाहिए कि इतने में मजा रखे देना है? नहीं जी, 85-86 तक तो होना चाहिए जी। ठीक ठीक, जो लॉकडाउन करके थोड़ा लूज हो रहा, पहले मैं शुरू हो जाऊंगा तो 85-90 तक पहुँच जाएगा जी। ठीक 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 ठीक। तो दीप भाई जो करीब, मैं थोड़ी देर पहले संजू भाई तभी बात कर रहा था कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मान लो कोरोना ना होता फिर तो इन दिनों में टूर्नामेंट लोकल शुरू हो जाए, बीजी हो जाए, तो दिन का शेड्यूल क्या रहा, दिन में टाइम पास उकर करो? ताश तूस खेल लिया जी। ठीक ठीक ठीक। अपना ग्राउंड पाजे सांझे टाइम खेत का नहीं फिर वैसे जी। ठीक ठीक ठीक। तो टेलीविजन देखने का या मोबाइल चलाने का कितना शौक है? ऐसा कोई शौक नहीं, अगर ब्याह पाँच है वो शौक खत्म हो गए? मैं पहला भी कौन था जी। अच्छा, पहला भी नहीं था। ठीक ठीक ठीक। तो मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दीप नाम कितने टोस गए हैं, है किंगी दीप उस पे? फेसबुक पे हो किंगी, व्हाट्सएप पे हो किंगी? नहीं, फेसबुक पे है, फेसबुक पे। हाँ फिर हाँ, ये बात है ना, सही बात पे। तो फेसबुक पे कितने के डब्बे बन रहे हैं भाई? फुल पाव की लिस्ट जी, मुझे पता है ना। फुल पाव की लिस्ट? हाँ, जो दोस्त है मतलब फैन। हाँ, दोस्त बताना करे तो भाई, मतलब लिस्ट फुल पाव, फुल पाव दोस्त है, इसके चाहने वाले बहुत है, इसके फैन बहुत है इसके, जिस करके ऐसी फुल एयर होगी जी हमारी फुल। इसके वो शायद ही सही फर्क पड़ रहा होगा, ब्याह पाछा कुछ फर्क पड़ गया हो? ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा भी हो उसका ना, जब तक भाई का ब्याह नहीं हुआ था तो उस टाइम तक तो भाई सोरा लंबा भी था, ठाडा भी था, सुतरा भी था, बहुत सारी छुरी आ गई, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई होंगी। ठीक है, तो जो जैसा हमने पता लग गया 5,000 तो डब्बी हैं भाई फेसबुक पे, बिल्कुल। तो पहलवानी ये चीज तो छुप नहीं सकती। मैंने क्या बताया था, 5,000 में महिला मित्र कितनी है? एक भी नहीं पावा दीजिए। एक भी नहीं पावा? अच्छा जी, वो तो इसको मतलब ये इतना वो नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे जी। ठीक ठीक। मतलब जैसे मतलब 24 घंटे फेसबुक पे देख लिया किसका मैसेज है या ऐसा भी एक्टिव ना ना, तो पता लग गया 5,000 फ्रेंड। भाई साहब मैं तो इतने दिन पढ़ाने लग रहा, 5,000 फ्रेंड तो मेरे भी नहीं है। इसका भाई साहब, इसका तो फैन फॉलोइंग बढ़िया, वो तो भाई फैन फॉलोइंग बढ़िया है। पर मैं वही बात थोड़ी बार पहले मैं संजू भाई तभी कर रहा था कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, और ये जरूरी थोड़ी है कि दीप भाई छोरे मैच देखे, छोरे भी तो मैच देख दी होंगी, और दीप तो भाई पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में मशहूर है कि एक हल्के शरीर का कैचर इतनी जबरदस्त कैच कर रहा है, इतने तगड़े तगड़े रेडरा का है। तो ना जी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो छोरी है मामले में बिल्कुल लूज है। मैं छोरी, आप तो शायद उस तरीके ना गलत ले गए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने, आपके खेल ना लड़कियाँ कितनी पसंद करती हैं, क्योंकि लड़कियाँ भी हमारे देश का अब साक्षी मलिक है, देश के लिए मेडल लेकर आई है। ठीक है, बहुत सारी खिलाड़ियाँ जो खेलों को अप्रिशिएट करती हैं, खेलों को ऊपर ले जाने का काम करती हैं। तो दीप भाई गाने वाने सुनने का कितना शौक है? गाने सुन ले, पंजाबी गाने सुन ले जी। अच्छा, तो सुनते नहीं। अच्छा, रवनी कहते नहीं सुनते भाई? मजा नहीं आता। रागनी सुन ले जी। अच्छा, रागनी किसकी भाई पसंद है? सपना चौधरी की? सपना चौधरी ना पसंद नहीं करते आप? एक निदाने का जी, गायक राज रागनी, बाली शर्मा या अच्छा रमेश कलावड़ी होया जी। हाँ, इनकी तो सुन ले रागनी भी जी। अच्छा, कौन सी रागनी पसंद है भाई? पंजाबी गाने फिर किसके सुनो हो? पंजाबी गाने जी सिद्धू मूसेवाला सुन लिया, बब्बू मान का सुन लिया। अच्छा, बब्बू मान तो फेमस सिंगर है, तो भाई कौन सा गाना सुनो बब्बू मान का? निंद्रा नहीं होती ना जी? ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं, कोई से आज जो सुन लिया जी। कब्जा लेना है? नहीं, कोई से आ जाए जी कब्जा। ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब जी, वो मतलब इसका फेसबुक फ्रेंड, फेसबुक की बात चली थी भाई साहब। हाँ। तो फेसबुक पर मतलब इसका इतना ही ना, ये भी नहीं पता हुआ सर इसका फ्रेंड कौन है कौन नहीं, ऐसा मतलब वो नहीं, नहीं वो तो भाई की बात है, तो पता लगना है कि वो तो फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हालांकि भाई फेसबुक ने हैंडल कम करा है, चलाओ कम है, इसी को नहीं, तो चलो एक मजाक की बात थी। तो दीप भाई आगे और कैसे मानने लग रही है कि और कितने दिन दीप का खेल बहुत जबरदस्त रहने वाला है? खेलेंगे जी, बाल तो चोट फिर नहीं लग गई, चोट फिर तो बचे रहे तो खेल दे रहे होंगे। तो आज तक कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया है कि जिसमें दीप का चोट लगी और एक सीजन दो सीजन दीप मैदान तक बैठ रह गया हो? नहीं जी, मेरे तो भगवान की दया था जी, कभी आंगन भी टूटी ना। ना चलो जी, हम भी भगवान तक दुआ करें कि भाई के लिए कभी कोई ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हुआ, किसी को ना लगा चोट ना ना चोट फिर किसी को ना लगा। हालांकि ये जो खेल है, ये कबड्डी जो खेल है, चोट का खेल है, पर हम तो सभी प्लेयरों के लिए दुआ करते हैं कि भाई ऐसी मिस हैपनिंग किसी के साथ ना हो। तो दीप भाई आज के टाइम में हरियाणा में आपने कौन लग गया
यो बेस्ट कैचर है या दीप ही बेस्ट कैचर है? आपने क्या लगा हरियाणा में फिलहाल आपने किन्ने देखो आप मानो हो चलो आप तो अच्छे कैचर हो ही हो इसमें को दोराई नहीं बहुत ज्यादा कैचर हो रहे जिस तरह सारे बढ़िया खेलने लग रहे नहीं एक प्लेयर लगता होगा हाँ भाई यो आज के टाइम में जबरदस्त कैचर है जिमाम भी खेल कर थे बढ़िया खेल रहे जिमाम भी बढ़िया हो रहे थे हाँ तो काला जानली उस टाइम टॉप था काला जानली टॉप था टॉप था। और यदि भाई हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिलहाल कैचर जबरदस्त कौन है? पल्ला जी पल्ला पल्ला जलाल प्रिया। और भाई जब आप दोनों मैच खेलते हो तो आपको कौन लगता है कि भाई इस मान लिया आपका मैच किसी ऐसी टीम के साथ हो गया जिसमें कई जबरदस्त रेडर हैं और आप उन्होंने लगता हो कि यार यो रेडर तो रोकना मुश्किल हो जाएगा ऐसा कौन है हरियाणा में जिसमें ना थोड़ा आपने थोड़ी एक बार मान दी कि यार ये इसका कदे कैच ना लग गए हालांकि आपने तो हरियाणा में जितने भी वर्तमान में या 5-7-10 साल पहले जितने भी कैच रहे सबका कैच मार रखी है पर एक थोड़ा क्या करना कर इसका कैच मारनी थोड़ी सी मुश्किल है ना जी सर तो कोई रेडर है ना जी पता है सब ये होगा कि हाँ बढ़िया प्लेयर है थोड़ा मतलब तो मैं वही बात कर रहा हूँ आपने फिलहाल हरियाणा में टॉप रेडर कौन लग गया है जो आज के टाइम के दिन बात करूँ फिलहाल रवि रवि देवरा ठीक 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 और कैचर हरियाणा में पूछना लग रहा मैं दोबारा आज के टाइम में जी हाँ आज के टाइम तो बिल्ला ही फेमस हो रहा है बस जी बिल्ला फेमस है ठीक ठीक है नहीं बिल्ला फेमस होने की आपने लगा है कि हाँ वो इस बढ़िया खेला जी प्लेयर भी बढ़िया जी फेमस ठीक है जी ठीक ठीक तो पहले नंबर का चल रहा है मुझे ठीक 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 कुछ बहुत प्लेयर है जी खेला बढ़िया बिल्ला तो एक इंटरव्यू में मैंने सुना था विनय भाई का एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि भाई यदि कोई ऐसा क्योंकि दीप भाई पता भी क्या है जितने भी कबड्डी के प्लेयर है ना वह मध्यम परिवार आते हैं जिनका ब्यूत नहीं होता ठीक है और हालांकि जो आज का जो टाइम है ना उसमें एक प्लेयर बनने खतर भाई बहुत सारी चीज बहुत पैसा खर्चो है बिल्कुल भाई ठीक है आपकी डाइट भी हालांकि इसमें और कोई किट का कोई खर्चा नहीं है नहीं, नहीं, पर जो आपकी डाइट है उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो विनय भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई जो ऐसा प्लेयर है जिसको लगता है कि भाई मैं खेल तो अच्छा रहा हूं पर मैंने उस तरीके की डाइट नहीं मिल रही हां तो उसके लिए हां जैसे संजू भाई ने भी कहा कि यदि कोई ऐसा प्लेयर है हम संजू भाई थे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इनने भी कहा कि भाई हम ऐसे प्लेयरों की आर्थिक रूप से भी सहायता करने तैयार हैं उन तक कोचिंग देने के भी तैयार हैं और मेरे दीप भाई के साथ ही बात हो रही है कि हम असंध में कोई एकेडमी चलाएं जिसमें हम जो ऐसे प्लेयर हैं जो गरीब परिवार से हैं उनकी सहायता करें तो इस मामले में भाई के संजू भाई तो सहमत हो आप या विनय भाई तो सहमत हो? सहमत है जी बिल्कुल विनय तो सहमत है मैंने देखा था भाई साहब विनय का वो बहुत बढ़िया सोच है भाई साहब हां जी सहमत है कोई ऐसी बात नहीं है जितना सपोर्ट है उतनी करेंगे बल्कि उससे बढ़कर करेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ये एक अच्छी बात है। तो भाई जिस टाइम दीप भाई खेलना शुरू करा तो किस प्लेयर ने देख के खेलना शुरू करा हाँ भाई मैंने तो इस प्लेयर को प्रेरणा स्रोत मान लिया है उस टाइम में जब आपने 2011-12 के आसपास शुरू कराया होगा चलो एक तो आपने गांव के बता दिए पर उन दिनों में कोई आपका स्टार कैचर रहा हो कि हाँ मैंने उस जैसा कैचर बनना है? स्टार तो उस टाइम भी था पप्पू सास था जी बिल्लू मूड था जी रेडर हाँ उस टाइम भी पप्पू सास तो जो कैचर है कैचर है बहुत बढ़िया कैचर है जी तो कभी उनके साथ खेलने का अवसर मिला एक टीम में खेल ले हो कुछ ऐसा रहे हो? बहुत वेरी बिल्लू के साथ तो खेल दे रहा है पप्पू के साथ भी बहुत मैच खेले ठीक। तो दीप भाई किन टीमों में दीप ने ज्यादा मैच खेले हैं और जिसमें खेलने में मजा भी आया हो? सबसे ज्यादा मैंने जयसिंहपुर की टीम में खेले जी ठीक 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 सबसे ज्यादा मजा भी आया जी तो पहले हर एक टीम में खेल हरियाणा जितनी टीम है तकरीबन सब में खेल रहे हूं। तो दीप भाई पंजाब में कौन सी फेडरेशन में या कौन से टीम में खेला कर दे? पंजाब में तो हरियाणा क्लब जाया कर दे जी हरियाणा क्लब जाया कर दे जाया कर दे जी ठीक 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 मतलब कोई अलग तो कुछ ऐसा नहीं था कि आप किसी और किसी फेडरेशन में वो पंजाब में किसी अलग तो किसी क्लब में खेल लिए हो? नहीं जी मोहल्ले में खेलने की बनी थी जी फिर उस टाइम कैंसिल कर दी थी आजाद क्लब में जाया कर दी थी दो क्लब में तो खेल नहीं सकते तो आजाद क्लब में। तो जय साहब मैं आप दोनों प्लेयर से बात कर रहा हूँ संजू भाई तो पहला बात भी करी थी तो संजू भाई भाई ने तो गेड़ा दे लिया तो ये भी इसके गेड़े का क्या प्लान है? नहीं इसका मतलब जो तोड़ा हो रहा है मतलब कि आप ना अपना तो करवा लिया इसका आप करवा नहीं रहे भाई तो गलत बात है भाई भाई का करवा दिया अपना करवा नहीं रहा यार करवाऊंगा जी है? अब की बार करवाऊंगा सर्दियों या कुछ ऐसा सोच लिया कि भाई वो थोड़ा अचीव करने के बाद करवाना है अभी भाई साहब थोड़ा नहीं है अभी मतलब खुद के पांव पकड़े हो जाए थोड़ा
किसी दो पीछे सिर हो जाओ भी अपनी जरूरत पूरी कर सका, मतलब करना है, मतलब अपना तो लाइफ पार्टनर होगा जी, उसकी भी जरूरत पूरी करनी है, बिल्कुल, तो मतलब ऐसा खुद को हो जी, मतलब पैर पर खड़े होगा, उसके बाद ये किसका बिल हो जी, हाँ उनकी जरूरत भी पूरी कर सका, उन्हें खुआ इसका आप खास का, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज। तो दीप भाई 8-10 साल का करियर होगा खेलते हुए, कोई ऐसा शानदार मैच रहा हो जिसमें दीप ने रुक्का पड़वा दिया, दीप 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 हो गया वो, कोई ऐसा मैच यादगार जो मैच रहा हो? श्यामगढ़ था जी, अच्छा श्यामगढ़ था जी, 13-14 की बात है, मैच बहुत बढ़िया खेले था जी। ठीक ठीक, तो इनाम आज तक जो मोटा इनाम मिला है, मतलब कोई मोटरसाइकिल लिया, कोई एलईडी या कोई घी का टीन कुछ ऐसा? ना जी, बहुत इनाम मिला जी, 5-6 तो मोटरसाइकिल जी। अच्छा अच्छा, 3 LCDs जी। ठीक 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 ठीक, 2 मुंदरिया जी। ठीक ठीक ठीक, वॉशिंग मशीन जी। ठीक ठीक, फ्रिज जी। पहले जी तकरीबन घी के पिपे मिले जी। ठीक ठीक, कैश प्राइज भी बहुत मिले जी, सोने का रुपया भी मिले जी। मतलब की पब्लिक कार कमेटी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार। और कोई ऐसा टाइम रहा भाई कि जिसमें दीप का मैच गणा खराब रहा और भाई दीप ने मैच रुकवा दिया, कुछ ऐसा जिस मैच ना भूल जाना चाहते हो? ना जी, सदो कदी हो या नहीं। ठीक, मतलब क्या जो अपने बंडे की 2-4 कैच हुए हैं? सदो कदी नहीं है जी। ठीक ठीक ठीक, तो दीप भाई जो मेन कैचिंग की जो टेक्निक है वह के है आपकी? मेन तो जी मेरी कैच गट्टे की है जी। गट्टे की कैच है? हाँ, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि जो आपकी गट्टे की है तो एक सेफ कैच भी है मेरे ख्याल से, गट्टे की है। हाँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्या है गट्टे को मजबूत, गट्टे की मजबूत कैच करने के लिए? ग्राउंड है जी, ग्राउंड में अपनी मेहनत करा, तैयारी करा, जिस तरह मोमेंट करा बच्चे के साथ, तो उसका फर्क पड़ जाए जी। ठीक 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 ठीक, तो दीप भाई कितने साल और खेलने का इरादा है? देखेंगे जी, चोट फट नहीं लगी तो लगे रहेंगे, नहीं मिलती कोई जी। ठीक ठीक ठीक, तो जब खास यार दोस्त अगर ना, वो बहुत सारी सी बात बता दिया कर रहा है, जोर कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे संजुए कौन से राज हैं जो आपने पता है और किसी ने नहीं पता? या इसने बता दिया राज, इसने इसने तो आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया मर्तंदिया ने। हाँ, ना सोरा शरीफ है जी, छोरा गणा शरीफ है जी, इसके भी 10,000 फ्रेंड्स के फेसबुक पे। नहीं बोल दो होंगे, मैंने माड़े काम में कोनी भी ठीक, माड़े काम में दोनों बातें नहीं करी। ठीक बाड़ा जी, माड़े काम में दोबारा शुरुआत आपने कर दी, ऐसा कुछ है भाई? नहीं नहीं जी, आपके सामने जो भी है जी, आपको जो लग रहा है वो। हम भी जैसे प्लेयर देखते भी हैं और एक दीप भाई की जो छवि है पूरे हरियाणा में, एक बहुत ही शांत कैचर है और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती प्लेयर है। तो संजू भाई, इस बात से आप कितना सहमत हो और दीप भाई से सीखने को कितना मिलता है? फुल सहमत जी, पूरे 100% जी। सीखने का तो ये है जी भाई, सब थोड़े साथ खेलना तो मतलब इसका मतलब अपने से ज्यादा मेरे को विश्वास इस पे है जी। हाँ, कि मतलब कोई चक्कर नहीं, खेल रहे हैं साथ में तो मतलब अपना 100% देंगे, खुद से ज्यादा विश्वास मैं इस पे करता हूँ जी। ठीक ठीक, कि आप मेरे को पता है कि आप पकड़ लिया, पक्का पकड़ लिया। तो दीप भाई, जब आप दोनों एक टीम में खेलते हो तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता होगा? हाँ जी। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि मना कैच किस टाइम मारनी है, जब दीप इतना पीछे जाएगा जब मना कैच मार देनी है, आपस में दोनों बात कर ले भी के करना है, के करना है। हाँ, तो किसी मैच किसी मैच को खेलने से पहले चर्चा करते हो कि भाई इस टीम के प्रति हमें ऐसा खेलना पड़ेगा और इस टीम के प्रति हमें ऐसा खेलना पड़नी पड़ती है भाई सब, कोई मैच मतलब हां भी टाइट खेलना पड़ता है थोड़ा। हां भी, जिससे आप रेडर उससे आप पता मतलब रेडर की क्या मोमेंट है, मतलब क्या उसकी वीकनेस है, उस पर ध्यान उसको ध्यान में रखते हुए तो मतलब हमें पकड़ना पड़ेगा इस रेडर की क्या वीकनेस है, मतलब क्या चक्कर है, तो आपस में डिस्कस करना पड़ेगा। यहां भी तेरी साइड आया तो पकड़ेगा, पीछे हटेगा, मेरी साइड आया मैं पीछे हटेगा, तू आया पीछे से, मतलब आपस में डिस्कशन हो जाए भाई सब, कॉम्बिनेशन हो जाए। तो दीप भाई, आप हरियाणा में बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप पंजाब में बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो आप पूरे हरियाणा के भी और पूरे पंजाब के भी लोग आपको इंटरनेशनल खेल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी और मेहनत की ज़रूरत है दीप को और संजू को, उसके लिए कि हम दोनों को कनाडा में, अमेरिका में या पाकिस्तान में किसी दूसरे देश में खेलते हुए देखे, तो उसके लिए कितनी और मेहनत की जरूरत है भाई साहब? उसके लिए प्रैक्टिस अपनी तरफ से फुल कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ दे भाई साहब, कोई भी प्लेयर हो मतलब अपनी तरफ से यही सोचा कि हाँ भी तू बेस्ट दे, हाँ भी बढ़िया हुआ है, मतलब लोग तेरे पसंद कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले बात भी कर रहे थे कि एक बार आप लोगों का जाने का प्लान फाइनल हो भी गया था, आपके साथ कुछ इंजरी हो गई थी, दीप भाई के साथ भी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो अभी और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और भाई सब वही बस, सबसे अलग दिखने के लिए सबसे अलग करना पड़ता है। ठीक, तो मतलब अलग दिखना मतलब अलग पहचान बनानी, तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, मेहनत भी कुछ अटके करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मतलब ग्राउंड में अगर 2 घंटे प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं तो भी 2 घंटे कर रहे हैं तो मतलब तो बराबरी हो गया भाई सब, तो उसके लिए कुछ अलग करनी पड़ेगी, तो ज्यादा करेगा तो अलग आएगा भाई सब, वो चीज़ कुछ अलग दिखने के लिए भीड़ से अलग चलना पड़ेगा जी वो चीज़। तो दीप भाई जैसे संजू भाई भी कह रहा है मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ईब तक दीप केवल गट्टे ने पकड़ा कैच मारा है, और यदि आपने आगे इंटरनेशनल तक जाना है
तो कुछ टेक्निक में चेंज करना पड़ेगा या इस तरह काम चल जाएगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, जो ट्राई सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वही है ना कि एक रेडर को पता होता है कि दीप तो भाई गट्टे वाले पकड़ेगा, हाँ तो चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए दीप कितनी मेहनत कर रहा है? लग रहा है अभी जी, ठीक, दो टाइम लग रहा है, दो टाइम करने लग रहा है, जितना नहीं हम कर दे रहे होंगे लग रहा है। तो दीप भाई चलो बढ़िया बात है, कबड्डी ने उस तरीके का बढ़ावा मिल रहा है, पंजाब में तो बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो हरियाणा में स्थिति सुधारने खातर जैसे हमने पहले भी बातचीत करी कि कमेटियों ने ब्याह गाना पड़ेगा और प्लेयरों ने ब्याह आना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, सहयोग करेंगे भाई साहब तभी कुछ होएगा, तभी कुछ मतलब कमेटी सहयोग करे जब प्लेयर ना करे तो भी कुछ नहीं, और प्लेयर करे कमेटी ना करे तो भी कुछ नहीं भाई साहब, तो इसके लिए सभी मतलब एक साथ होगा कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है भाई साहब। अब ऐसा है कमेटी अपने एक दिन के मैच करा रही है फिर भी प्लेयर लेट आ रहे हैं तो मतलब सहयोग नहीं कर रहे तो फिर चलेगी नहीं, बात नहीं बनेगी, सभी को एक साथ मतलब अनुशासन में रूल रेगुलेशन के साथ सभी को एक साथ मतलब साथ देना पड़ेगा तभी कबड्डी आगे बढ़ सकती है भाई साहब। तो दीप भाई खेल दे 8-10 साल हो गए, हाँ जी, तो पढ़ाई वाला मामला कित तक पहुँचा है, पढ़ाई कितनी करी जी? बस प्लस टू करी, ठीक ठीक, तो संजू भाई मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्लेयर का बातचीत करी, तो सारे प्लस टू तो क्यों पढ़ा गया, क्या नहीं पढ़ते, क्या रास्ता क्या है? रास्ता तो ये भाई साहब, मैंने जो करूँगा फिर ध्यान तो गेम की तरफ हो जाए भाई साहब, किताब पता वो ही जाए भाई साहब, अट जाए फिर ध्यान, फिर गेम की तरफ हो जाए भाई साहब, दो टाइम प्रैक्टिस करनी पड़े भाई साहब, उसके बाद मतलब शाम ने प्रैक्टिस करके आया, थका है फुल फुल थका गया, तो उसके बाद मतलब अपनी डाइट ली, तो बंदा का मतलब पढ़ने का तो रन देगा भाई साहब, क्यों बॉडी इतनी थक जाए तो नींद आ जाए सो जाए बंदा, सुबह उठ के फिर वर्कआउट पर जाना पड़ा भाई साहब, दो तीन घंटे का सुबह वर्कआउट हुआ है, आने के बाद डाइट ले फिर मतलब बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, सोना पड़ा भाई साहब, इसलिए फिर किताब पढ़ना पड़ना भाई साहब, थोड़ा हो जाए बंदा थोड़ा अट जाए थोड़ा, ये चीज़ हो भाई साहब। तो दीप भाई आपका जो कैथल का जो एरिया है, हाँ जी, बहुत सारे बढ़िया रेडर भी हैं, बहुत सारे बढ़िया कैचर भी हैं, यदि आज के टाइम में कोई चैंपियनशिप हो जाए स्टेट चैंपियनशिप, ठीक जी, तो आप कैथल जिले को कहाँ देखते हो? इस तरह जी कि मान लो चैंपियनशिप होगी, स्टेट चैंपियनशिप होगी, तो उसमें आज के टाइम में कैथल जिले में रेडर ही बहुत है कैचर ही बहुत है, तो के पोजीशन रहोगी कैथल डिस्ट्रिक्ट की? फर्स्ट आओगी, फर्स्ट आओ सर, बिल्कुल कोई श्योर नहीं, फर्स्ट है, सब तो ज्यादा प्लेयर भी कैथल मोर स्टेम बड़ा जी, बढ़िया प्लेयर कैथल मोर स्टेम जी, वैसे तो प्लेयर जींद में ज्यादा, हां कैथल में जी बढ़िया प्लेयर बहुत ज्यादा है। तो जैसे भाई हम आते हुए बात कर रहे थे कि जो हरियाणा में जो मैच हुए हैं वो अलग अलग कमेटियां, जैसे गगसिणी की एक कमेटी है, आपके श्यामगढ़ की भी है, आपके निसंग में मैच हुए हैं, ठीक है, कैथल जिले में तो बहुत गाँव है, तो कौन सी कमेटी के मैच आपने ठीक लगा, वाह उसमें खेलने में मजा आता हो, उड़ा प्राइज भी बढ़िया हो, क्या सिस्टम रहा है? पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, निसंग की कमेटी है जी, निसंग की कमेटी, तो उसमें कोई रोला रब दड़ा रस्सा नहीं, कोई रोली नहीं, बिल्कुल फेयर है, निष्पक्ष टूर्नामेंट हो, जमा निष्पक्ष, किसी के बारे में कोई पक्षपात नहीं, ऐसा लो निसंग, हाँ ठीक। और यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो बड़े बड़े कप हैं बहुत, पंजाब में तो अरे को टूर्नामेंट निष्पक्ष हो हमेशा, तो कोई उद्योगी सभी प्लेयर की मौजूदगी होगी लाइव के सामने, टाई डालेगी इसका प्लेयर जिस बकायदा दिखा जाओ, इसका प्लेयर इसका मैच इसका लें, इसका इसका लें, प्लेयर भी संतुष्ट हो उस चीज से, जो भाई किस्मत में हो जिसका मैच जो बढ़िया खेलेगा जीतेगा, लेकिन हरियाणा में थोड़ा सिस्टम अलग है जी, हरियाणा थोड़ा कुछ कमेटी ऐसी है जी मतलब पर्ची घेर दें, मतलब आपस में पर्ची घेर लें जी, प्लेयर ना पता नहीं होता, मैच अनाउंस करेंगे सिर्फ हाँ भाई इस टीम का मैच तगड़ी का अलवी का लाया गया, तो मतलब पहले दो तीन राउंड तो अलवी का तगड़ी का हुआ जी, तो इस तरह जो जो जूनियर प्लेयर है उन्हें मौका मिलता नहीं, वो बेचारे दूसरे दूसरा नहीं तीसरा मैच हार जाए जी, फिर आप उन्हें मिलता नहीं जिनका मान सम्मान नहीं होता उनका जी, बिल्कुल इस चीज़ का बहुत फर्क है जी, पंजाब वाले निष्पक्ष मैच कराओ जी, सब मतलब संतुष्ट हो प्लेयर उससे जी, हाँ भी बढ़िया मैच हुए थे, निष्पक्ष हुए थे, कोई पक्षपात नहीं, पर्ची गिरी थी, किस्मत थी तारी इसका मैच आ गया, तो हम बढ़िया खेले जीत के, तो अड़वे खेले तो हार गए, यह चीज़ है। तो दीप भाई जैसे हम थोड़ी बार पहला संजू से बात कर रहे थे, जो यूट्यूब आ गया, जय संजू भाई ने बताया कि हम मान लो हमने किसी मैच में हमारा प्रदर्शन संतुष्ट नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा, कुछ कमी लग गई, तो हम YouTube ने देख के नू देख लिया भाई कि मैंने ये कमी रही, हाँ तो उस चीज या ठीक है चीज YouTube पे, YouTube बहुत बढ़िया चीज है जी, तो कितना फर्क पड़ा आप कितने देखो YouTube ने, अरे एक मैच दो मैच खेल का नहीं देखा जानी सर, के कमी लग गई, किस तरह बढ़िया खेल लिया, किस तरह पत्थर छूट गया, उसमें जी आदमी दोहरा लिया अपनी बात ना, मैं गलती की करी थे ढक लिया, हाँ ढक लिया मतलब उसमें सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाए, ठीक ठीक ठीक। तो दीप भाई जब हम आज की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर एक दिन ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं,
आज मान लो गगसीना टूर्नामेंट है, उड़ा 1,00,000 रुपये का नाम है, कायल फिर निसंग है, उसका अगले दिन फिर उड़ा है। तो ये जो डेली टूर्नामेंट हैं और जो टीम लेट पहुँचे हैं, यह चीज़ ठीक है? नहीं जी, ठीक नहीं। टीम ने टाइम पे आना चाहिए, टीम ने टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में क्योंकि भाई साहब इसमें भी कमेटी कमी है नहीं। हाँ। क्योंकि मैच तो एक दिन पहले मान लो गगसीना टूर्नामेंट है, तो मतलब आज टूर्नामेंट कहीं और चल रही है, निसंग चल रही है भाई साहब, निसंग तो मतलब किराया कड़ी भी लगा लो भाई साहब, टूर्नामेंट चल रही है, तो वह टूर्नामेंट सुबह 4 बजे खत्म हुआ भाई साहब, तो अगले दिन गगसीना टूर्नामेंट है, तो वो तो उम्मीद करेंगे भी हाँ भाई मतलब जल्दी प्लेयर आओ, जल्दी मैच खत्म करो। तो मतलब पहले जो कमेटी थी उन्होंने तो मैच को नहीं खत्म कराया जी, सारी कमेटी ये सोचा भी हाँ भाई मैच एक दिन का कराओ और मैच भी बढ़िया होंगे, प्लेयर भी स्टेम पाओगे, सब कुछ बढ़िया होगा भाई साहब, इसलिए फिर कमेटी की वाई दिक्कत नहीं। और उसके बाद प्लेयर ना आए तो वहाँ प्लेयर कमी है जी। तो 15 साल पहले यदि हम बात करें, जिस टाइम बहुत सारी टीम अपने उफान पर थी, तो कौन से प्लेयर ठीक लग गया कर दे? 15 साल पहले तो जी मैच देखा ही कौन थी जी, उसके बाद देखने लग गए तो जिस टाइम भी मतलब देखने लग गए आर की टीम थी जी, फरमाने की टीम थी, इन्हीं का मैच फाइनल लग गया अर्धा जी, ये दोनों टीम बहुत बड़ी टीम है जी, उस टीम कराने की टीम इतनी वहां कौन थी जी, आर की टीम थी कराने की, वो टीम बहुत थी जिस तरह धनोरी थी जी, सुरला थी जी, द्रोदी थी, मतलब और भी टीम बहुत बढ़िया डोला थी जी, छत्र की उस टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कौन थी, बोरी छत्र की टीम। तो दीप भाई हमने कोई सा मैच बता जिसमें किसी प्लेयर पे मोटा नाम टक गया हो रेडर पे, अरे बस जोनी से कैच मारेगा उसका इतना नाम जी। तो ऐसी कितने मोटे नाम ही कैच मार रखे हैं और किस प्लेयर का मार रखे हैं? मैं रखी थी कई, मैं रखी थी इसका मारी थी गग्गी का, खीर वाली गग्गी जी, वर्ल्ड कप खेला था। अच्छा अच्छा, तो कितना नाम था भाई उसकी कैच पे? उस पे 91 रुपये था जी, उस पे 91 रुपये, मतलब पंजाब में मैच था, पंजाब में मैच था जी, चंडीगढ़ है ये मुझे। ठीक 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 ठीक। और हरियाणा में यदि बात करें तो हरियाणा में कि आपने इसे किसी, क्योंकि हम एक श्यामगढ़ के जो आपका यादगार मैच भी आपने बताया, यादगार मैच था, तो उसमें आप बेस्ट कैचर आए, तो उस मैच में कितने बेस्ट नहीं आज में हाँ। वो मैच तकड़ी टीम का हार गेल था जी। अच्छा, मिस मैन में खेला था जी। अच्छा, उस टाइम 9-9 था जी। अच्छा, पहले इतने कबड्डी के बारे में ज्ञान कौन था, मटरू राजा सिंह पर गोल ले गया हाँ। तो उस टाइम ड्रागा पाए बढ़िया, बिल्लू था, बड़ा मितू था, छोटा मितू था, तो मैच में 4-5 कैच मार दी थी, मैं तो उसी मैच में बेस्ट मैच मार दी। ठीक ठीक, मतलब उसमें बिल्लू का भी कैच, बिल्लू का ही मार दी और मितू का ही मार दी, तो उस मैच में बेस्ट मान। ठीक 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 ठीक। तो संजू भाई कोई यादगार मैच जिसमें संजू हुई हो? मेरा अलीगढ़ था जी भाई साहब। अच्छा, अलीगढ़ जी काला की टीम में खेल रहा है भाई सामने। ठीक ठीक। तुम्हारा जो अलीगढ़ हरियाणा में पंजाब में है बॉर्डर पे जी, मतलब चीका के पास है। अच्छा अच्छा मैच जी। अच्छा अच्छा, तो उसके साथ हमारा मैच जी, तो उसमें सिंह की टीम, सिंह मैच थी जी सिंह आम में हाँ। तो उसमें उनकी टीम में सुल्तान खेल रहा है, सुल्तान रूपाली, तो उसमें सुल्तान के ऊपर पैसे लगे थे जी, तो उसमें मैंने 2-3 कैच सुल्तान का लगाई थी जी, तो और वो मेरा बहुत यादगार, तो पब्लिक मतलब हम जीत गए थे, फाइनल में पहुंच गए थे, तो पब्लिक ने बहुत हो गया सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो, उस टाइम पता लगा था भाई सब की हाँ फोटो चीज भी फोटो भी उतारा कर लो, नहीं मतलब कोई सोचा कौन था लोग हमारे भी फोटो ले होंगे, इतनी बात कौन थी। ठीक ठीक ठीक। तो आज हमने हरियाणा के दो स्टार और उभरते हुए स्टॉपरों से बात की, कैचरों से बात की, संजू जयसिंहपुरा और देव सिरसल से। आप दोनों हमारे टीम के साथ जुड़े, आप दोनों पहलवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दुआ करेंगे कि भाइयों का जो भविष्य है कबड्डी को लेकर वो उज्ज्वल रहे, और भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनका शरीर हष्ट पुष्ट रखे। आप दोनों पहलवान हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हम इस लायक समझे आपने।